बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से आज हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स में इकोनॉमिक्स जो है एमसीक्यूज के हवाले से मौजूद हैं। लेक्चर नंबर 7 है, ये वीडियो 7 है। इसमें पहला जो है, दिस इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुज सप्लाइज रिमेन फिक्स्ड। फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चार आमदनी पैदाइश, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से एक फैक्टर ऐसा है जिसकी सप्लाई, जिसकी रसद, जिसकी फराहमी लिमिटेड रहती है, नो चेंज, तब्दील नहीं होती। तो जाहिर है ऑब्वियसली वो ज़मीन है, इसलिए कि ज़मीन की मकदार जितनी अल्लाह पाक ने बना दी वो उतनी ही है, उसको इंसान अपनी एफर्ट से, अपनी कोशिश से चेंज नहीं कर सकता। तो इसका जो आंसर है वो लैंड है। लैंड, फिर नेक्स्ट, रिवॉर्ड विदाउट एनी सर्विसेज इस टर्म एस, ऐसा मुआवजा जिसमें बगैर किसी काम के, बगैर किसी सर्विसेज के, बगैर किसी खिदमात के जो है मिले, वो क्या कहलाता है। रेंट जो है वो तो ज़मीन के इस्तेमाल का मुआवजा है, और वेजेस लेबर को इस्तेमाल करके, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर का, इंटरेस्ट सरमाए का, तो इनमें से तो कुछ नहीं है। बाकी है ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट या ट्रांसफ़र ऑफ अर्निंग, वो मैं अपने पैसे अपने बच्चे को दे दूं तो बच्चे की जो आमदनी है वो ट्रांसफ़र ऑफ अर्निंग है। बैगर्स जो फ़कीर पैसे मांग के कमा रहे हैं तो कह रहे हैं मेरी आमदनी, लेकिन वो लोगों की आमदनी के ट्रांसफ़र है, तो उसको ट्रांसफ़र ऑफ अर्निंग या ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट कह सकते हैं। तो जो है वो इंटरेस्ट नहीं है, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट, ये जवाब सही है। ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट मुंतकली है। द एबिलिटी ऑफ अ गुड, एक किसी भी चीज़ की वो सलाहियत, टू सेटिस्फाइड ह्यूमन वॉन्ट्स, जो इंसान की ख्वाहिशात को पूरा करे, स्ट्रम एज या स्कॉल्ड, वो क्या कहलाती है। तो स्टूडेंट हमें क्लास में खूब अच्छी तरह इसको समझा चुके हैं। यूटिलिटी की डेफिनेशन में, द एबिलिटी ऑफ एन आर्टिकल विच इज़ सेटिस्फाइड ह्यूमन वॉन्ट्स इज नोन एज यूटिलिटी। किसी भी चीज़ के अंदर वो पोशीदा जौहर जिससे इंसान की कोई ना कोई ज़रूरत पूरी हो जाए, उसको यूटिलिटी कहते हैं। तो लाजमी इसका जवाब फिर यूटिलिटी बनता है। तो सप्लाई नहीं, डिमांड नहीं, यूटिलिटी, ये जवाब यूटिलिटी सही है। यूटिलिटी डिमांड का यूजुअली स्लो फ्रॉम, हम पढ़ चुके हैं डिमांड ओ एक्स पर, डिमांड ओ वाई पर प्राइस, और बनने वाला कर लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, ये डिमांड कर। तो इसका जवाब लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। तो इसमें देख लेते हैं, लेफ़्ट टू राइट अगर सिर्फ डाउनवर्ड किसी में नहीं है फिर तो ये जवाब सही है, लेकिन अगर डाउनवर्ड भी है तो फिर ये जवाब गलत है। लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड, ये जवाब सही है। इसमें लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड, ये जवाब सही है। लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड नहीं, ऊपर नहीं जा रहा, और राइट टू लेफ़्ट अपवर्ड नहीं, यानी राइट टू लेफ़्ट भी अपवर्ड नहीं है, वो सप्लाई का होता है। तो ये लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड जो है हमें नज़र भी आ रहा है, डिमांड कर लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड। फिर नेक्स्ट, द क्वान्टिटी ऑफ गुड्स विच इज़ ऑफर्ड टू सेल एट अ गिविन प्राइस इज कॉल्ड। किसी भी चीज़ की वो क्वान्टिटी जो स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक प्राइस पर ऑफर की जाए फॉर सेल, वो सप्लाई है। और इंटायर क्वान्टिटी ऑफ एन आर्टिकल, वो स्टॉक है। किसी भी चीज़ की बाज़ार में जो है जो टोटल क्वान्टिटी है वो तो स्टॉक है, और स्टॉक का वो पोर्शन जो एक सेलर बेचने के लिए तैयार हो जाए जो है किसी पर्टिकुलर प्राइस पर कंज्यूमर को, वो सप्लाई कहलाती है। ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, तो इसका जवाब स्टूडेंट सप्लाई है। तो जो है वो डिमांड नहीं, सप्लाई, ये जवाब सही है, सप्लाई। फिर नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ लैंड इज यस, और ये ऑल्टरनेट है, चेंज किया हुआ है यही, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स या लिमिटेड। तो यहाँ इसमें जवाब लिमिटेड है, लिमिटेड महदूद है। ज़मीन जितनी अल्लाह ने बना दी उतनी रहेगी, सिर्फ अंदाज़ थोड़ा सा चेंज हो गया,
बाकी जवाब वही है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कर्व इज, परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व जो है ये हम पढ़ चुके हैं, जो है ओ एक्स पे आउटपुट और ओ वाई पर एम आर और ए आर, और ये कर्व प्राइस भी है, ये डिमांड भी है, और ये ए आर इज इक्वल टू एम आर भी कहते हैं। तो ये कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व ऑलवेज जो है हॉरिजॉन्टल, तो इसका जवाब ये हॉरिजॉन्टल सही है, वर्टिकल नहीं है, अपवर्ड नहीं है, डाउनवर्ड नहीं है, जो हॉरिजॉन्टल यानी ओ एक्स के पैरेलल है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज हाईएस्ट, जीरो, नेगेटिव और लोएस्ट। टोटल यूटिलिटी ये हम पढ़ चुके हैं, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इसमें ज़ीरो होती है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है, तो ये हम आपको पढ़ा चुके हैं ज़ीरो, तो इसका जवाब ज़ीरो है। इसके शेड्यूल में भी आप पढ़ चुके हैं, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो उसके सामने ज़ीरो होगा, ये बहुत हमने आपको प्रैक्टिस करवाई है दोबारा इसकी, ताकि जो एग्जामिनेशन पॉइंट से आपकी तैयारी हो जाए। द मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड आर, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड लचक की पैमाइश, इसके जो मेजर करने के मेथड्स हैं, इसकी पैमाइश करने के तरीके हैं वो तीन हैं, आउटले अप्रोच मार्शल का, और ज्योमेट्रिकल अप्रोच और मैथमेटिकल अप्रोच, हिसाबी कायदा और ज्योमेट्री का कायदा और कुल अखराजात का तरीक़ा। ये तीन मेथड्स स्टूडेंट आपको बताइए, तो इसमें तीन थ्री जवाब जो है सही है, टू नहीं है, थ्री बिल्कुल एक्यूरेट जवाब है, फोर नहीं। इनिशियल यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन इज़, जब पहली इकाई इस्तेमाल की जाए तो उस वक्त जो यूटिलिटी है वो, ये आपको बता चुके हैं कि जो है वो रमज़ान की मिसाल, जून जुलाई में रमज़ान जब हीट स्ट्रोक या हीट वेव चल रही होती हैं उस वक्त आपका अगर रोज़ा है, इफ्तार के वक्त जो आप पहला गिलास पानी का पियेंगे, तो पहला गिलास क्या था स्टूडेंट जी, ठीक है, इनिशियल यूनिट, उस इनिशियल यूटिलिटी, इस इनिशियल यूनिट से जो रिसीव होने वाली यूटिलिटी है वो इनिशियल यूटिलिटी वो सबसे हाईएस्ट है, पहले गिलास से जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, जो तस्कीन की सतह है वो सबसे हाई होगी, फौरन दूसरा गिलास पानी का इस्तेमाल करने पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो डाउन हो जाएगा, तस्कीन की सतह पहले से गिर जाएगी। तो पहले गिलास पे जो इनिशियल यूटिलिटी है, इनिशियल जो यूनिट है उससे जो यूटिलिटी रिसीव होती है वो सबसे हाईएस्ट या मैक्सिमम होती है, तो यहाँ लोएस्ट नहीं है, ज़ीरो नहीं है, हाईएस्ट या मैक्सिमम, ये जवाब सही है। तो स्टूडेंट ये एग्जाम्पल्स के साथ, डायग्राम के साथ आपको 10 एमसीक्यूज और समझा दिए गए, इनको आप अपनी इसमें नोटबुक में नोट भी कर लें, इसको याद भी कर लें, जब फिज़िकली आएंगे तो इंशाल्लाह उस पर जो है वो आपसे हम डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।